हाल ही में बीजेपी सांसद रवि किशन ने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक प्राइवेट बिल पेश किया ताकि इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल सके। गौरतलब है कि रवि किशन खुद भी भोजपुरी सिनेमा के स्टार रहे हैं। इससे पहले भी वो भोजपुरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के मकसद से प्राइवेट बिल ला चुके हैं। संसद के बजट सत्र में उन्होंने एक बार फिर प्राइवेट बिल पेश किया। संविधान संशोधन बिल 2024 को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिर्फ फूहड़ गीतों के बारे में नहीं है बल्कि इसका एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य है जिसे बढ़ावा देने की जरूरत है। इस बिल में कहा गया है कि भोजपुरी भाषा गंगा के मैदानी इलाकों में उत्पन्न हुई है। ये बहुत पुरानी और समृद्ध भाषा है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। बता दें कि भोजपुरी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ साथ कई दूसरे देशों में रहने वाले लोगों की मातृभाषा है। मॉरिशस में भी भोजपुरी भाषा बोलने वाली एक बड़ी आबादी है। इसके अलावा दुनिया भर में करीब 14 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। बिल में कहा गया है कि भोजपुरी फिल्में देश विदेश में लोकप्रिय हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गहरा असर डालती हैं। भोजपुरी भाषा में एक समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक विरासत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक भी भोजपुरी साहित्य से काफी प्रभावित थे। इस बिल में आखिरी में कहा गया है कि भोजपुरी भाषा को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे अभी तक 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिली है। लेकिन संविधान के जिस 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल करने की बात कही जा रही है उसके बारे में भी कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। दरअसल संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का जिक्र है। यह भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं। इसमें 22 भाषाओं को जगह दी गई है। शुरुआत में इसमें 14 भाषाओं को ही शामिल किया गया था। बाद में 3 बार संशोधन कर इसमें 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। जब संविधान बना था तब इसमें 14 भाषाएं थी जिनमें हिंदी, तेलुगु, बंगाली, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया और संस्कृत शामिल थी। बाद में 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली और 2003 में मैथिली, संथाली, बोडो और टोंगरी को जोड़ दिया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक किसी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई तय मापदंड नहीं है। हालांकि पहले की कमेटियों ने कुछ मापदंड तय किए थे जिनके आधार पर किसी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलता है। मसलन 3 दशकों की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उस भाषा को कम से कम 5 लाख लोग बोलते हों, आसपास के इलाकों में दूसरी भाषा के रूप में इसका इस्तेमाल होता हो, बंटवारे से पहले किसी राज्य में बोली जाती हो और बंटवारे के बाद भी कुछ राज्यों में इस्तेमाल हो रही हो। इसके अलावा किसी भाषा का स्कूली शिक्षा में माध्यम के तौर पर उपयोग हो रहा है और लिखने की भाषा के रूप में 50 साल से अस्तित्व में होने का सबूत हो तो उसे 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि भोजपुरी भाषा के इस अनुसूची में शामिल होने की गुंजाइश ना के बराबर है। वो इसलिए क्योंकि रवि किशन ने प्राइवेट बिल पेश किया है। प्राइवेट बिल ऐसा सदस्य पेश करता है जो मंत्री नहीं होता। कोई विपक्षी नेता भी प्राइवेट बिल ला सकता है। प्राइवेट बिल को इसलिए लाया जाता है ताकि उस मुद्दे पर सरकार का ध्यान लाया जा सके। हालांकि प्राइवेट बिल का कानून बन पाना बहुत मुश्किल होता है। आज़ादी से अब तक सिर्फ 14 बार ही प्राइवेट बिल कानून बन सके हैं। लेकिन अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है और भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो वो आधिकारिक भाषा बन जाएगी। ऐसे में UPSC समेत बाकी सिविल सर्विस परीक्षाओं में इस भाषा में भी परीक्षा दी जा सकती है। जिन राज्यों में इस भाषा को बोला या लिखा जाता है वहाँ ये सरकारी कामकाज की भाषा बन सकती है। इसके अलावा लोकसभा या विधानसभा में भी इस भाषा में भाषण दिया जा सकता है या फिर सवाल जवाब किया जा सकता है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।